हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अरे भैया, अरे सारा कबूतर उड़ गया भैया। खैर गाइस, मैं हूँ इतना डर में। गेट लग रहा ये गाइस, मैंने लगाया क्या मान लिया। रुक जाओ भी, लाल तो कर लूं पहले। लाल हो गया गाइस, अब दर्द हो रहा। हाँ गाइस, भैया मैंने एक पावर बैंक मंगाया है। ये अमन भाई के लिए मंगाया है, ये मेरे लिए नहीं है। यानी गाइस मैंने खुद के लिए नहीं मंगाया, मैं आपको बता दूं। और इतना भारी पावर बैंक अमन भाई के अंदर ही हिम्मत है गाइस जो वो मंगा सकते हैं। तो भाई साहब, ये रहा 27,000 mAh का पावर बैंक। तो भाई साहब, ये रहा बिल्कुल न्यू पावर बैंक। और भाई ये कल ही आया है, आई थिंक 1900 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रैपिड, रिलायबल, रोबस्ट और एम ब्रांड। और भाई साहब, ये मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है, 27,000 mAh। ओ माय टूलू लाला। देखो भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्या बताता हूँ। अगर आपने गाइस मुझे बता दिया, पहले भाई इसका वेट करते हैं। 00 है। अरे मैया, 677 ग्राम। भाई 500 ग्राम तो मेरे अंदर ही है, मतलब मेरे में है, मेरे अंदर नहीं। हाँ, 677 ग्राम। भाई बाद में आप इसे माइनस कर लेना। देखो भाई साहब, ये रात खोला था, आपको बता दो गाइस क्लियर। तो भाई ये इसकी अनबॉक्सिंग हुई है, समझ लो, क्योंकि भाई इसमें तो हमने कुछ भी नहीं निकाला है, सेम वही है जो उसके अंदर था। ये भैया क्या मस्त मस्त सी आये। हाय हाय, देखिए डाली है मेरी, फट गई। नहीं भाई साहब, ये बढ़िया जो बात है। और भाई ये मिला हमें एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक ऑफर लेटर, कि आप चाहो तो बन सकते हैं, लेकिन भाई साहब मेरी टांग में बहुत दर्द है, तो गाइस मैं नहीं बन पाऊंगा। आई एम सॉरी। हैव एनी क्वेरी और एडवाइस? नो एडवाइस एंड एनी क्वेरी। साइड में रख देते हैं, 5 स्टार तो उन्होंने खुद ने दे दिए। अरे बाप रे भाई, ये ईट। भाई साहब कितना भारी पावर बैंक है यार, 27,000 mAh। भाई साहब ऐसा कैसे काम चलेगा? भाई मैं आपको इसको एक बार वेट दिखाता हूँ। देखो भाई, लगभग 550 ग्राम, आधा केजी से ऊपर का इसके अंदर भैया वेट है। तो भाई अभी से खोलेंगे यहाँ से, क्योंकि इसे यहाँ से हमने खोला है ही नहीं। ये देखो भाई, ये है मस्त पावर बैंक, बिल्कुल बेहतरीन, 27,000 mAh। और भाई यहाँ पर सील लग रही है एम्ब्रेन की, मस्त है जो बात है भाई साहब, एम्ब्रेन। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, मॉडल नंबर 27,000 mAh, 99.9 वाट आवर, और 20 वाट का इसी, यानी कि फास्ट चार्जिंग है। और ये रहा इनपुट है, 20 वाट तक ये चार्ज हो सकता है। ठीक है, 20 वाट के चार्ज मस्त चार्ज होगा, जल्दी चार्ज जाएगा। 22.5 यानी कि लगभग 22.5 वाट का इसी मैक्स आउटपुट दे सकता है वाट। ठीक है, ये आउटपुट है सी से भी, A1 से, A2 से भी। ठीक है, ये रहा। और भाई साहब देखो, ये रहा, ये दोनों आउट है, पर ये जो बीच वाला यानी टाइप सी से भाई ये चार्ज होगा। खोल नहीं सकते यार, दिक्कत ये भाई साहब। नहीं, मैं आपको खोल के जोर दिखाता, मैं एक बार आपको चार्ज करके दिखा दूं यहाँ से। तो हाँ, हो गया। देखो भाई, तो भाई लोगों, ये रहा हमारा मोबाइल, और भाई ये रही डेटा केबल। लेकिन भाई साहब इसके अंदर भाई एक डेटा केबल हमें मिली है। भाई पता नहीं फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है या नहीं है, या ये चार्जिंग है या डेटा केबल है, जो भी है। आई एम सॉरी गाइस, ये है डेटा केबल और ये है आई थिंक चार्जिंग केबल। ठीक है, अब पता नहीं भाई ये चार्जिंग केबल है, डेटा केबल भी है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, चलो भाई साहब मैं पहले फटाफट देखता हूं। भाई तो घुसी ना इसके अंदर, अब तोड़ेगा के। हाँ थोड़ा टाइट है, मतलब ज्यादा थोड़ा टाइट है, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइट है। देखा बहुत ज्यादा चार्ज कर। हाँ, अरे भाई ये है फास्ट चार्जिंग, यानी 7 मिनट का इस मेरा मोबाइल फुल चार्ज जाएगा। देखा जाए तो भाई 20 वाट है, 22.5 वाट है। तो भाई देखा जाए तो भाई ये डेटा केबल है, मतलब कि डेटा केबल से गाइस फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है मोबाइल, खाली चार्जिंग केबल सपोर्ट नहीं करता। तो गाइस ये छोटी सी मजबूत सी डेटा केबल। ठीक है, और मैं इसे निकालता हूँ। देखो इसमें भाई यहाँ पर ये रहा 1, 2, 3, 4 सेट, अभी से देखते हैं बॉस। देखो ये फास्ट चार्जिंग की, ये रहा देखो ये भाई, अगर खाली डेटा केबल होती है ना, मैं आपको एक बार अगर दिखा दूं भाई, मेरे पास हो तो टाइप सी वाली, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर हो तो खैर है ना। भाई निकल जाए तेरी। अब ये भाई पता नहीं मेरे को ये डेटा केबल है चार्जिंग केबल है, तो एक बार गाइस हम इसे भी देख लेंगे। ये रहा भाई साहब, तो ये ओह ये देखिए बॉस, ये रहा स्लो चार्ज लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस आपको पता लगा, फास्ट चार्जिंग के लिए चार्जिंग केबल नहीं चाहिए, डेटा केबल चाहिए। हाँ वो चार्ज भी कर देती है, क्योंकि भाई साहब जानते हो भाई, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा वायर होते हैं गाइस जो सपोर्ट कराते हैं इसे। ठीक है, तो भाई ये बढ़िया, और ये डेटा भी ट्रांसफर कर देगी मस्त भाई, जो बात देख रहा। ठीक है, देखो भाई स्लो चार्ज हो रहा है, यानी कहीं टाइम ज्यादा दिखा रहा। देखो वो कितना दिखा रहा भाई, देखो 52 मिनट, कितना फर्क है वो स्लो चार्जिंग में और फास्ट चार्जिंग में। तो आप कोई भी ले सकते हो। इससे एक फायदा और होगा कि भाई हम इसे जो है ना इसे उल्टा चार्ज कर सकते हैं, मतलब किसे हम चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। एक बार हम इसे चार्ज करके देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर अभी तक LED चल रही है भाई साहब, यहाँ से लगाते हैं। देखें कहाँ पे इसके, हाँ देखो भाई ये चार्ज हो रहा है। या इसकी एक LED नहीं चल रही है वाली, शायद आई थिंक ये डमी है या क्या है, 4 LED चल रही है ओनली। हो सकता है भाई इसमें 4 LED हो, या हो सकता है भाई जब ये रेड हो ना तभी चलता हो।
तो भाई मैं अमन भाई से कहना चाहूंगा कि भाई वो इस पावर बैंक को चार्ज ना करें और भाई अच्छे से इसको टेस्ट करें, मतलब कि इसको बिल्कुल डाउन कर दें। इसको डाउन करने के बाद पता लगेगी कि भाई साहब ये इंडिकेटर चल रहा है या रेड हो जाता है, मतलब कि पावर बैट मतलब स्लो बैटरी का ऑप्शन दिखाता नहीं दिखाता है। इसमें डिस्प्ले नहीं है क्योंकि भाई साहब डिस्प्ले का रोल होता नहीं है देखा जाए तो, है ना, वो मतलब खामी का कॉस्ट पड़ती है पावर बैंक की। इसमें डिस्प्ले लगाओ वो लगाओ नहीं, भाई इंडिकेटर है चल रहा ठीक है। भाई 27,000 mAh का पावर बैंक भाई साहब क्या उखाड़ोगे बताओ। हाँ तो गाइस मैं इस पर लोड डालने वाला हूँ, पहले गाइस बाल सेट कर दूं, बाल पे लोड नहीं होना चाहिए। तो गाइस हम देखेंगे भाई हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, हम इससे गाइस क्या क्या चीज चार्ज कर सकते हैं। फटाफट गाइस आपने देख लिया बॉस कि भाई ये वाली डेटा के लिए तो हमारे काम की है, एक डेटा के लिए लग गई भाई ठीक है। और भाई साहब ये लगा दिया भाई साहब मैंने ऐसे। अब भाई हमें चाहिए एक टाइप सी वाली, मतलब टाइप सी टू टाइप सी वाली डेटा केबल ऐसा। ये रे भैया हाँ टाइप सी टू टाइप सी, ओ भाई ये टूट गई। अबे यार इनमें भाई यही प्रॉब्लम है सैमसंग वाली में। गाइस मैं आपको दूसरा मतलब ये दूसरी डेटा केबल दिखाऊंगा भाई, वो भी चटकी पड़ी है जो भाई इशू की है ना, जो मैंने उन्हें अपना फोन दे दिया था सैमसंग S21 FE शायद भाई उसके साथ भी हुआ डेटा, उसकी भी चटक गया नहीं पता ना कैसी क्वालिटी दे रहा है यार, इतनी बेकार घटिया क्वालिटी दे हुआ चटका पड़ा यार। देखो भाई साहब ये हो गया भैया तीन ठीक है, इसको भाई मैं ऐसे ही लगा देता हूँ ठीक है, जिससे भाई थोड़ा सा ज्यादा भरने निकले। तो भाई हो गया 1, 2, 3 ठीक है। तो भाई हम इस पर लोड डालने वाला हूँ थोड़ा सा ज्यादा, देखते हैं गाइस क्या होता है, सबको फास्ट चार्ज करेगा नहीं करेगा। तो भाई पहले अपना फोन ये भैया देखो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट लिखा साफ लोगों ने बताया है। और भाई साहब मैंने भी एक मोबाइल मंगाया ठीक है, ये घर के लिए है, चलो कोई से लगा दो फास्ट चार्जिंग तो होनी चाहिए। ये 33 सपोर्ट है देखिए 55, ये खाली चार्जिंग दिखा रहा है, फास्ट चार्जिंग ये नहीं शो कर रहा। ओहो ओहो हो 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 ओहो कंपनी ने धोखा कर रखा है भाई साहब, मेरे को पता होगा इस मैं नहीं ऑर्डर करता, लेकिन खैर कोई बात नहीं ये तो बंदे को बात है। ये अब ये स्लो चार्ज होने लग गया है देखो यार, मतलब कि बिल्कुल स्लो नहीं हो रहा कि भाई ऐसे 50-60 मिनट दिखा रहा हो लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं दिखा रहा, यानी भाई इनकी हाफ हाफ हो चुकी है, इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। अब तीसरा हम क्या चार्ज कर सकते हैं, तीसरा हमारे पास फोन एक और है भाई साहब, मैं ये वाला आपको चार्ज करके दिखाता हूँ, देखते हैं वो उसकी क्या होता है। देखो 8 मिनट दिखा रहा है ठीक है, देखो भाई देखो सारे चल जाते हैं, देखो एक साथ स्लो चार्जिंग का मैसेज आ गया। देखो भाई 45 मिनट दिखा रहा भाई, देखो 45 मिनट यानी गाइस पहले ही मतलब ठीक ठाक चार्ज हो रहा था, दो फोन इससे अच्छे से चार्ज हो रहे थे, अब भाई हो गया स्लो चार्ज की तरफ पहुंच गया। ये 55 है, ये तो 55 ही जब से, ये कितना है देखो भाई, ये 46% है अभी, देखो भाई ये रहा 46% ठीक है। देखो भाई तीन फोन में इससे चार्ज कर रहा हूं, भाई इस पे साफ साफ लिखा कि भाई मैक्स आउटपुट, कमी गाइस इसके नहीं है, इन्होंने सब दे रखा है, सब लिख रखा है, सब मेंशन कर रखा है कि 22.5 वाट दे सकता है, मैक्स दे रखा है मैक्स, यानी कि इससे ज्यादा नहीं देगा, यानी कि तीनों फोन की चार्ज कर नहीं सकता। अब आते हैं भाई साहब लैपटॉप पर अपने, हम अगर भाई साहब हम लैपटॉप में चार्ज करें इससे, हाँ जी हाँ भाई साहब इसके अंदर 5 वोल्ट मतलब ये 5 वोल्ट चार्ज जाता है, आपको क्या समझ भाई 5 वोल्ट से लैपटॉप कहाँ चार्ज होता है भाई, ये हो जाता है, ये टच स्क्रीन वाला है लैपटॉप, मैंने दिखा रखा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ क्योंकि भाई साहब काफी लोग मेरे को मिलते हैं लोकल में, समझ भाई साहब खोल के दिखाना यार ये डबल फोन है, दो फोन का चिपका रखे हैं भाई, मैंने खोल खोल के दिखाता रहता हूँ। तो ये कुछ मतलब इसका कुछ ऐसा फायदा है कि लैपटॉप टच तो है ही ठीक है, प्लस भाई ऐसे भी हो जाता है ठीक है, चालू भी हो गया देखो यार ये बंद भी हो जाएगा ऐसे ही। तो भाई अब मैं क्या करता हूँ एक फोन भाई से निकाल लेता हूँ ठीक है, अच्छे से टेस्ट करेंगे जिससे कहीं आप लो तो भाई आपको अच्छे से पता लग जाए कि भाई लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इतना बड़ा पावर बैंक है, बल्कि इसमें 22,000 का भी आता है, 15,000 mAh का भी आता है, अलग अलग आता है, तो आप जोन समझ चाहो ले सकते हो ठीक है। जहाँ पर मन भाई रहते हैं वो काम करते हैं, तो भैया वहाँ पर जो है ना बिजली की प्रॉब्लम है, समस्या है लाइट की बहुत ज्यादा, तो वहाँ पर उन्होंने इसलिए रखा है थोड़ा सा ज्यादा हैवी लिया है ठीक है, हम इससे मतलब ज्यादा बार मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ये भाई इसका सबसे बड़ा फायदा है। और भैया डेटा भी लेते हैं और भैया इसे चार्ज करते हैं ठीक है, लैपटॉप को चार्ज कर देखते हैं। भैया टाइप सी चार्जिंग का देखिए यहाँ पे ये जगह इसका चार्जर भी है, वैसे इसका जो मेन चार्जर फास्ट चार्जर का ये है, यहाँ से स्लो चार्ज होगा, लेकिन भाई ये है कि गाड़ी वाली में आप अगर लेके जाते हो ना तो आप इसे चार्ज कर सकते हो। देखिए वो गाइस हट गया, यानी कि वो फास्ट चार्ज अब नहीं हो पाएगा देखिए। और भाई ये भी चार्ज हो रहा होगा, इसका तो इंडिकेटर नहीं चल रहा, लगता है गाइस ये चार्ज नहीं हो रहा, इसे निकालना पड़ेगा, ये भी निकालते हैं, अभी एक रहेगा भाई साहब और इसे देखते हैं लगा के भाई साहब क्या होता है ठीक है, ये दिखाएगा नहीं यार बड़ी समस्या अभी, ये तो चल रहा है तो ऑन है, लगता है गाइस हमारा लैपटॉप इससे चार्ज नहीं होगा। एक बार मैं लैपटॉप को ऑन ही करता, ये तो ऑन ही है ऑलरेडी, देखो भाई इसमें फिंगरप्रिंट्स भी है ठीक है, फिंगरप्रिंट्स का ऐसे ऑन हो जाता है, फिंगरप्रिंट्स का ऐसे ऑन हो जाएगा तुरंत लगते हैं भाई देखा, बहुत फास्ट है बॉस, लेकिन भाई ये चार्ज नहीं हो रहा, नहीं भाई साहब लैपटॉप हमारा चार्ज नहीं हो पा रहा। अगर आपको थोड़ी सी शंका हो तो गाइस एक बार मैं आपको लैपटॉप भी चार्ज करके दिखा देता हूँ ठीक है। गाइस एक काम करता हूँ भाई, मैं डायरेक्ट जो ना मोबाइल चार्ज ऐसे चला के देखता हूँ, चार्ज करके देखता हूँ भाई, यहाँ पर रिव्यू सही होना चाहिए ठीक है ना, ये लगा दिया चल गया देखो यार ठीक है। तो भाई ये चार्ज हो रहा है ठीक है, तो भाई ये पावर बैंक से चार्ज नहीं होगा क्योंकि भाई साहब ये थोड़ी सी ज्यादा पावर लेता है और भाई 22.5 वाट से ये चार्ज नहीं होगा। मैंने गाइस लाइव देखा ना, मैं कह रहा था भाई ये चार्ज होगा क्योंकि भाई मैं चार्ज करता हूँ मोबाइल से भी, जब मुझे मतलब कि काफी
काफी लंबे समय तक काम करना होता है ना, तो भाई मैं इसका चार्जर निकालता लैपटॉप का, जब मोबाइल चार्ज होता है ना सीधा भाई इसमें लगा देता हूँ। और भाई इससे यही फायदा होता है कि भाई इसका चार्ज जो ना मतलब काफी लंबे लंबे वायरस के मतलब कोड काफी लंबी है, तो भाई इसकी जरूरत पड़ती नहीं है ना। तो भाई यह है कि मोबाइल चार्ज में लगा रहता है, छोटे केबल होती है लगाते हैं भाई चलता रहता है। भाई इतना होता है कि मतलब बहुत ही स्लो स्लो चार्ज होता है और भाई इसकी बैटरी लो नहीं होती है ना। यह सब तो गाइस मैंने इसे आधे घंटे चार्ज किया तो 1-2% बैटरी इसकी बढ़ जाएगी, डाउन नहीं होगी, तो सबसे बड़ा फायदा ही है। तो गाइस अगर मैं इसे गाड़ी में ले जाता हूँ क्रेटा में या सेंट्रो में, तो भाई वहाँ पे मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ टाइप सी से 5 वोल्ट से। तो गाइस ये इस लैपटॉप की खासियत है सबसे बड़ी बात। ठीक है भाई, से खैर मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है, और अमन भाई के पास लैपटॉप है नहीं भाई, वैसे भी लैपटॉप को आज से क्या चार्ज करेंगे। तो भाई मैंने आपको बता दिया, बस गाइस मेरा पर्पस भाई ये था कि भाई मैं आपको अच्छे से चला के दिखा सकूं। तो भाई अगर आपको एक मोबाइल चार्ज करना हो तो गाइस ये फास्ट चार्ज करेगा, क्योंकि भाई इस पर साफ लिखा है 22.5 वाट मैक्स। तो भाई ये एक मोबाइल चार्ज करो या 3 एक साथ चार्ज करो, चार्ज कर देगा लेकिन स्लो और फास्ट का सारा मामला होगा, लैपटॉप से चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप थोड़ी ज्यादा पावर लेता है। ठीक है वो भाई, वो 33 वाट का चार्जर है जो भाई मैंने आपको चार्ज दिखाया ना, ये भाई सब 33 वाट का चार्जर देखो लिखा साफ, पोको का 33 वाट का चार्जर है। चलो गाइस, आई होप आपको अच्छे से रिव्यू समझ में आ गया होगा। क्या भाई समय सही है भाई, सब मंगा सकते हैं, बहुत भारी है, 550 ग्राम का है, लेकिन भाई साहब ये मोबाइल भी काफी ज्यादा बार चार्ज कर देगा, मतलब कि जैसे यूज है भाई इसके हिसाब से ठीक है, अच्छा है। ठीक है चलो गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।